इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय। क्या आज आप लोग ये नागालैंड के मुद्दे पर जो चर्चा की मांग कर रहे हैं, कुछ नोटिसेस भी दिए गए? यस, मैंने हमारी पार्टी की ओर से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से, रूल 167 के तहत नोटिस दिया है ताकि नागालैंड मुद्दा को संसद में, हमारे राज्यसभा में चर्चा हो और ये दुखद घटना कैसी घटी इसके बारे में रक्षा मंत्री जी बयान दें। और हमारे हमदर्दी हैं उन सभी से, उन परिवारों से जिन्होंने अपने को खोया, और हम लोग कंडेम करते हैं इस इंसिडेंट को। जिस तरह ये घटना घटी ये निंदाजनक है, दुखद है, और हम चाहते हैं कि इसके ठीक से जांच हो और जितना कॉम्पेंसेशन मिला है उससे इसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता है। हमारे मांग है कि जो लोग परिवार, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनको एक, उनमें से एक को सरकारी नौकरी मिले, ये भी हमारे मांग है। तृणमूल कांग्रेस ने कमेटी भी बनाई है जो इलाके में दौरा करेगी। हमारे चार सांसद, दो राज्यसभा से, दो लोकसभा से वहाँ दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है इसमें कोई ज्यादा कोई सनसनी पैदा हो। हम जस्ट वहाँ पे जाके हमदर्दी जताने हम लोग गए। इस सबके बीच में जानकारी है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर बयान देंगे, तो आप लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं गृहमंत्री के? गृहमंत्री के बयान पर चर्चा हुए, हम लोग चाहते कि चर्चा हो, डिस्कशन शुड बी डन बिकॉज ऑल द पार्टीज आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट फॉर ए फुल फ्लेज्ड डिस्कशन द एंड आई हैव ऑलरेडी सर्वड नोटिस टू दैट इफेक्ट। यानी टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का ये कहना है कि अगर गृहमंत्री बयान देते भी हैं तो उसके साथ में उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि नागालैंड के जो हालात है निश्चित तौर पर वो चिंताजनक है और इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में चर्चा के लिए नोटिस भी दिए गए हैं। और मांग यही है कि गृहमंत्री के बयान के बाद में भी हालातों पर चर्चा होनी चाहिए। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।